गाड़ी की हेडलाइट अभी खराब होनी थी। अब मैं शंकरगढ़ कैसे पहुंचूंगा इस अंधेरी रात में? बाबूजी, क्या बात है? कौन हो तुम? मैं तो इस गांव की रहने वाली हूं, लेकिन आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। हाँ, मैं काफी परेशान हूँ क्योंकि मेरी गाड़ी की हेडलाइट खराब हो गई है। अब मुझे शंकरगढ़ जाना है। अब इस अंधेरी रात में मैं कैसे पहुंचूंगा? अगर आप बुरा न माने तो हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं। तुम मुझे इस अंधेरी रात में रास्ता कैसे दिखाओगी? बाबूजी, ये हमारा रोज का रास्ता है। इसी अंधेरे रास्ते से तो हम आते और जाते हैं। इस रास्ते का पूरा दायां और बायां सब जानते हैं हम। लेकिन आपको जाना कहाँ है? हाँ, मुझे होटल गुमनाम जाना है, शंकरगढ़ में। बाबूजी, कमाल है, उसी शंकरगढ़ के तो हम रहने वाले हैं। मैं आपको आसानी से वहाँ पहुँचा सकती हूँ। तो ठीक है, आप गाड़ी में बैठिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आइए। बाबूजी, जरा संभाल के गाड़ी बाएं रखिए, दाएं में खाई है। बाबूजी, गाड़ी दाएं ले लीजिए, आगे रास्ता नहीं है। भाई दवे, आपका नाम क्या है? बाबूजी, मैंने रास्ता बताने का वादा किया था, अपना नाम नहीं। ओह, आई एम सॉरी। अब आपकी आखिरी मंजिल आ गई है। आखिरी मंजिल? जी हाँ, आखिरी मंजिल, जहाँ आपको जाना था। बस बस, गाड़ी यहीं रोक दीजिए। गुमनाम। Yeah.
की हसीन शाम, सेवन स्टार रिसोर्ट के नाम। और इस कॉम्पिटिशन में जीतने वाले दो कपल्स को मिलेगा 14 रात और 15 दिन का फ्री स्टे, और वो भी सेवन स्टार रिसोर्ट की तरफ से। जी हाँ, सेवन स्टार रिसोर्ट की तरफ से। सो प्लीज गिव अ बिग हैंड। और आज के विनर्स डिसाइड करेंगे हमारे मेंबर्स ऑफ ज्यूरी। सो लेट्स स्टार्ट द कॉम्पिटिशन। देख देख कर हो जा शराबी का।
हमारे जजेस के रिजल्ट्स आ गए हैं, तो आइए हम देखते हैं कौन है विनर। हमारे पहले विनर है मिस्टर राज एंड मिस कुसुम, प्लीज गिव देम अ बिग हैंड। थैंक यू वेरी मच। कांग्रेट्स। अब आई है दूसरे विनर्स की बारी, लेट्स सी। हमारे सेकंड विनर्स हैं मिस्टर किशोर एंड मिस स्वाति। थैंक यू। इनका इनाम है 7-स्टार रिसोर्ट की तरफ से फ्री स्टे, वो भी शंकरगढ़ हिल स्टेशन में। लगता है आप लोग इधर घूमने को आया। अरे ये बैग वैग लेकर घूमने के लिए नहीं आएंगे तो क्या, शिकार के लिए आएंगे क्या? कौन हो तुम? मैं हूँ यहाँ का गाइड, नाम है शंभू दादा। बड़े भाई तुम ये बता सकते हो ये 7-स्टार रिसोर्ट होटल का है? जरूर बताएगा साहब, जरूर बताएगा। वो क्या है साहब, ये 20 रुपया लेता है एड्रेस बताने का, आप इसको 20 रुपया दे दो ये पता बता देगा। अरे किशोर इसे 20 रुपए देना यार। अरे तू ही दे देना यार, मेरे पास छुट्टा नहीं, मैं तेरे को बाद में देता हूँ ना, तू अभी दे दे, सच्ची बाद में देता हूँ मैं तेरे को। अब ये लो पैसा। हाँ पकड़। ए बता दे एड्रेस, बता दे इनको। लेकिन तुम हंस क्यों रहे हो? असल में साहब आप लोग फंस गया, बुरी तरह फंस गया आप लोग। क्या मतलब? बाबूजी ये हकीकत है, इस तरह लोगों को भेजकर बेवकूफ बनाया जाता है। हमारे पास गिफ्ट वाउचर्स हैं। या 7-स्टार हिल रिसोर्ट में फ्री स्टे के। दरअसल साहब गिफ्ट वाउचर 7-स्टार का लेकर जो इस शहर में आता है वो दूसरा बस पकड़ कर वापस चला जाता है। क्या कह रहा है ये तो कह रहे कि हम फंस गए। तू झूठ तो नहीं बोल रहा ना? अरे साहब हम झूठ क्यों बोलेगा, आप हमारा कॉलर पकड़ता है, हमारा कॉलर पकड़ के कुछ नहीं होगा साहब। वैसे साहब आप लोगों को ठहरने के लिए एक होटल है, उसका नाम है गुमनाम। हम साहब हम उसमें काम करते हैं साहब, वो होटल बहुत अच्छा साहब, बहुत अच्छा साहब। यहाँ से बस थोड़ी दूर 6 किलोमीटर पर साहब, आप उसमें जाओ साहब मजा आएगा, स्विमिंग पूल क्या क्या है साहब उसमें। देखो साहब हम आपको होटल गुमनाम का पता बता दिया, हम आप उधर जाते हैं आपको उधर ही मिलेगा। ओके जय राम जी की, चलो बाय। आए क्या नसीब आया। अरे यार किशोर अब क्या करें? यार हम लोग यहाँ पर आ ही गए हैं तो वापस तो नहीं जा सकते ना मेरे यार। हम लोग अगर चले गए तो इतना मजाक उड़ाएंगे, इतना मजाक उड़ाएंगे कि हम कॉलेज में दोबारा मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। हम मजाक नहीं सहेंगे, हम तो यहीं रहेंगे। ठीक है तो चलो होटल गुमनाम ही चलते हैं। चलो यार। सुनिए ओ साहब सुनिए। अरे ये तो सुनता ही नहीं है। ओ वॉचमैन जी सुनिए। अरे अरे क्या भाई साहब, हम आपको कितनी देर से आवाज दे रहे हैं, कुछ सुनाई दे रहा है कि नहीं? लगता है बहरा है। अरे बहरा तो है लेकिन देख तो रहा था। ओ भाई साहब ये गुमनाम होटल का मैं वॉचमैन है, मेरे को रात दिन सब काम देखना पड़ता है, मैं आप बोल के भी स्वतः ही दोनों काम करता है। वाह जी वाह, ऐसे ईमानदार वॉचमैन मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। अरे वॉचमैन यहाँ रहने के लिए जगह वगैरह मिलेगी कि नहीं? वो साहब अंदर मैनेजर बैठा है, अंदर जाओ सब काम हो जाएगा। आ जा, चल जाओ। अजीब। रुक जाओ
चलो उठ जाओ, स्टॉप स्टॉप, डोंट मूव, कोच हिलेगा नहीं। शायद तुम मुझे अच्छी तरह से नहीं जानते, मैं इंस्पेक्टर बहुत खतरनाक इंस्पेक्टर, मैं चाहूँ तो तुम चारों को यो एक मिनट में हवालात की सैर करवा सर, हवालात की सर, 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 सर। कसूर कसूर, शायद तुम लोगों को मालूम नहीं कि मैं अखबार भी पढ़ता हूँ, और आज ही मैंने अखबार में पढ़ा है कि जनता कोऑपरेटिव बैंक में 5 करोड़ की डकैती हुई। 5 करोड़? यस, 5 करोड़, यस, और वो 5 करोड़ रुपए इन बैग में है, 5 करोड़ रुपए इन बैग में। और इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको इतना ही शक है हम पर, तो आप हमारा बैग चेक कर सकते हैं और अपना शक दूर कर लीजिए, वेरी सिंपल। इतने यकीन से कह रहे हो तो इसका मतलब है कि ये बैग में रुपए नहीं है, मैं कह रहा हूँ, लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, खुश होने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब तुम चारों किसी आतंकवाद ग्रुप से जुड़े हो। आतंकवाद? यस, तुम जैसे लोग हमारे देश में घुसते हैं और हमारे देश का अमन चैन छीनते हैं, बम ब्लास्टिंग करते हैं। ओह गॉड, और इसका मतलब ये हुआ कि इन बैग में RDX है। RDX? यस, और इसमें? यस, और मैं अपने हाथों से चारों बैग चेक करूंगा, खुद अपने हाथों से। लाइए दीजिए। अरे लाइए भाई, लेकिन कोई भागेगा नहीं। लाइए, ये भैया पकड़िए, नहीं आप रहने दीजिए, एक से, अरे हाँ लाइए। नहीं, तुम चारों का ये प्लान है, ये इंस्पेक्टर बैग खोलने के लिए जैसे सिर्फ नीचे करेगा, धूम करके उड़ जाएगा, इसके मास्क के लोथड़े दीवार में चारों तरफ चिपक जाएंगे, इसलिए इन बैग्स को हम नहीं खोलेंगे, बल्कि इन बैग्स को हम खोलेंगे। यस यस, खोलिए, खोल दीजिए। मैं दो कदम दूर हट जाता हूँ, फिर खोलिए। ये देखिए, ये लीजिए, ये देखिए सर, ये देखिए, इसमें कपड़े और कुछ नहीं है सर। कुछ नहीं जी, नहीं कुछ भी नहीं। आपको यकीन आ गया होगा ना इसमें 5 करोड़ रुपए है, ना RDX है। और सर, अब तो आपका शक दूर हुआ ना। दरअसल हम यहाँ पर होटल के कमरे देखने आए हैं और हम यहाँ के मैनेजर को ढूंढ रहे हैं। होटल के कमरे देखने आए थे? बिल्कुल जी। मैनेजर को ढूंढ रहे हैं? जी। मैनेजर क्या क्या नहीं पहचाना? नहीं जी नहीं। अरे इस होटल का मैनेजर मैं हूँ। आप? तो ये वर्दी और ये पिस्तौल? ये बहुत ही लंबी छोटी सी कहानी। दरअसल हमारे होटल जो कस्टमर आके ठहरता है और जाने के वक्त उसके पास होटल के बिल चुकाने के पैसे नहीं होते, तो हम लोग उसके कपड़े उतरवा लेते हैं। पिछले दिनों ऐसे एक इंस्पेक्टर हमारे होटल में ठहरा और जाने के टाइम पर उसके पास तो हम लोगों ने ये इंस्पेक्टर के कपड़े, और बाद में पता चला कि वो भी मेरी तरह नकली था। वैसे आप लोगों की ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है और मुझे पसंद भी बहुत है, समझे? क्या मतलब? ध्यान रखिएगा, आइए मेरे साथ। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। देखकर दिल खुश हो गया। वाकई यार, शंकरगढ़ आने का कोई अफसोस नहीं हो रहा है। यार तू तो कोई भी लड़की को देखकर दीवाना हो जाता है, अगर स्वाति को पता चला ना तेरी बैंड बज जाएगी। अरे पता चलेगा तब ना। बाची बा, आते ही काम पर लग गए तुम। यार लड़कियां बड़ी जलती हो। क्या फिगर है? ओ हो, कमाल है। काश मेरी भी गर्लफ्रेंड ऐसे ही होती। क्या मतलब? स्वाति में कौन सी कमी है? यार डार्लिंग, तुम नहीं समझोगी। खैर छोड़ो, अब कहीं घूमने चलना है कि नहीं? घूमने? मोहतरमा उठी है इतना लेट, अब कब तैयार होंगी और कब निकलेंगी? पर
फटाफट नहा ले हैं, फटाफट रेडी होते हैं और फटाफट निकल ले हैं। अरे वॉचमैन, वॉचमैन। सलाम 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 सर। ये शंकरगढ़ में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ हम सब घूम सकते हैं, जैसे कोई पिकनिक प्लेस, कोई पॉइंट? वो साहब ऐसा बात है, हमारे जगह में बहुत ठंडा ठंडा पवन आता है, रात को बड़ा बड़ा बर्फ का ग्वाला गिरता है, लंबा लंबा पेड़ है, अच्छा? बड़ा बड़ा पहाड़ है, पहाड़ के नीचे बड़ा बावड़ी है, बावड़ी के नीचे बड़ा झाड़ है, झाड़ के पीछे साहब लाल 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 सूरज का ग्वाला निकलता है, बड़ा सुंदर लगता है साहब, बहुत मजा आता है। वो साहब हमारे शंकरगढ़ का यही तो कमाल है। ये दोनों फुलझड़े अगर मुझे मिल जाएं, तो अपनी आग इनमें लगा दूं। वो साहब शाम को जल्दी वापस आ जाना। अच्छा, मेरा मतलब है सूरज डूबने से पहले वापस आ जाना। ओहो, यहाँ का रास्ता बड़ा खतरनाक होता है, हमने सुना है कि रात को इंसान जाता है तो मंजिल पे नहीं पहुँचता है, रात को वो दूसरा दुनिया में चला जाता है। क्या मतलब? दूसरा दुनिया में चला जाता है। लेकिन फुलझड़ियों में आग लगाऊं कैसे? इसके लिए मुझे उनके करीब जाना पड़ेगा, नजदीक जाना पड़ेगा, और जब मैं अपनी आग इनके अंदर लगा दूंगा, दिल से दिल टकराएगा तो फुलझड़ियां खिल उठेंगी, चहकने लगेंगी, चमकने लगेंगी, दिल बाग बाग हो जाएगा, दिल पसंद हो जाएगा, और इसके लिए मुझे कुछ करना होगा। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हो? हम लोग पिकनिक मनाने जा रहे हैं। अगर आप लोग कहें तो आपको इसी जगह घुमाऊं कि आपका दिल बाग बाग हो जाए, मन प्रसन्न हो जाए, मेरा मतलब हार्ट बीट हो जाए। अच्छा, तो फिर वो कौन सी जगह है? त्रिमूर्ति पॉइंट। त्रिमूर्ति पॉइंट? अबे क्या गुस्से ले, ये मेरा स्टाइल है। अच्छा, आपको घाई तो नहीं है? घाई? मैं सुभाष घाई के बारे में बता रहा हूँ। सुभाष घाई? सुभाष घाई अपनी हर फिल्म की शूटिंग त्रिमूर्ति पॉइंट पे करता है। त्रिमूर्ति पॉइंट पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं, एक शॉर्टकट, एक लॉन्ग कट। फॉलो मी। हंस कर चले तो अंबाला पट गया, मुफ्त में
लेता है, मजा कोई सबके लेता है, मजा जवानी का दुनिया में हर कोई लेता है, हर कोई लेता है, मजा कोई सबके लेता है, जो दिलों को बार बार हसीना मार गई रे, जवा दिलों को बार बार हसीना मार गई रे। अरे यार खाना लाओ यार, बहुत भूख लगी है यार, कब लाओगे खाना? क्यों चिल्ला रहे? लज्जतदार, लजीज और टेस्टी खाना खाने के लिए वक्त तो लगेगा ही, और वैसे भी हट्टे कट्टे हो, मोटे ताजे हो, थोड़ी देर नहीं खाओगे तो मर जाओगे क्या? आप सही कह रहे हैं। अरे तुम लोग हमेशा मरने वाली बात करते रहते हो यार। दुनिया की सच्चाई है एक जिंदगी और एक मौत। जिंदगी तो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें दी है, मौत कब आ जाए पता नहीं। मौत की बागडोर ऊपर वाले के हाथ में है, वो कब डोर खींच ले। मौत एक कड़वी सच्चाई है। चाप, सही कह रहा है। यार खाना लगाओ यार, भाषण बंद करो। बटलर। यस बॉस। हाँ? हाँ? ये किसकी है? हमारे होटल में खाना बहुत स्वादिष्ट, लजीज और टेस्टी होता है। हाँ तो? कस्टमर खाते हैं हमारे यहाँ, खाते खाते कई बार उंगलियां खाने लगे, मुंह से खून निकलने लगा, हमें उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। अब हम एहतियात के तौर पर बैंडेड पहले से सर्व कर देते हैं। साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये कभी झूठ नहीं बोलते। बटलर कंट्रोल करो, सब ठीक हो जाएगा। वॉचमैन जी, जी साहब, इस लड़की के साथ जो लड़का था वो नजर नहीं आ रहा है। तुम कहाँ थे? जी साहब जी, मैं तो मेरे ड्यूटी करता है। अरे बाप रे, लड़की का खून, राज खून, मर्डर। तुम दोनों कहाँ थे? तुम दोनों कहाँ थे? हम लोग तो बस अपने कमरे में थे। हाँ देखो, झूठ मत बोलो। इस लड़की की चीख सुनने के बाद मैंने तुम लोग रूम में जाकर देखा, तुम वहाँ नहीं थे, तुम लोग लॉन में नहीं थे, तुम लोग गार्डन में नहीं थे, तुम लोग रेस्टोरेंट में भी नहीं थे। देखो देखो, झूठ बोलने की कोशिश मत करो। ये मैंने तुमसे हजार बार कहा था कि होटल के बाहर कहीं भी जाना तो हमें इन्फॉर्म करना। हम लोग तो वॉक पे गए थे। वॉक के लिए गए थे? हाँ। वो तो पुलिस आकर पूछ लेगी तुम कहाँ गए थे, पता चल जाएगी वॉक के लिए गए थे या मर्डर करने गए थे। जब हम इस लड़की को जानते ही नहीं तो हम इसका मर्डर क्यों करेंगे? वही तो। अब तो तुम इसको जानते तक नहीं? हाँ। जानते तक नहीं? पुलिस को आने दो, तुमसे सब उगलवा लेगी तुम लोग कब क्यों कहाँ और किस लिए बाहर गए थे। तुम लोग होटल के बाहर नहीं जाओगे, तुम लोग होटल के बाहर नहीं जाओगे। तू अंदर रख, तू अंदर, तू फंस जाएगा, गरीब आदमी है। इस होटल में आप कब से रह रहे हैं? हम लोग कल रात ही यहाँ आए हैं। कत्ल होने से पहले या कत्ल होने के बाद? कत्ल होने के बाद। कत्ल होने के बाद। तुम्हारा नाम क्या है? सुशील कुमार। पूरा नाम बोलो। पूरा बोलो पूरा। यू शट अप। पूरा नाम बताओ। सुशील कुमार ठकराल। चश्मा उतारो। तीली भी निकाल दो। यस, वेरी गुड। अब मैं जो तुम लोगों से पूछने जा रहा हूं उसे बड़े ध्यान से बताना। तुम चारों लोग इस होटल में कत्ल होने से पहले आए थे या कत्ल होने के बाद में? हम यहां पर
कत्ल होने से पहले आए थे। यू आर श्योर? अब सर कह तो रहा है। यू शट अप 100%। यस सर। आई सी। अपना नाम बताओ। राज। पूरा नाम बोलो। पूरा बोलो ना। यू शट अप। राज अरोरा। राज अरोरा। हजरो हजरो। तुम्हारा नाम क्या है? जी कुसुम। पूरा नाम बोलो। जी कुसुम कपूर। ये सर अच्छी लड़की है। यू शट अप। अरे यार अब लगता है मुझसे पूछेगा। मिस्टर यू तुम्हारा नाम क्या है? सब मैनेजर ही कहते हैं बहुत दिन से। हाँ मिस्टर मैनेजर। जी इस तरह से इन लोगों ने बयान दिया है जी, उसे साफ जाहिर होता है कि ये चारों जी कत्ल होने से पहले यहाँ मौजूद थे और ये चारों कत्ल होने के वक्त यहाँ पर आए जी। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये चारों कत्ल होने से पहले यहाँ आए हो लेकिन तुम्हारी नजर इन पर कत्ल होने के बाद में पड़ी हो, इसलिए कानूनी कार्रवाई को मद्देनजर रखते हुए जब तक मेरा इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता तब तक ये लोग मेरे पास मेरे लॉकअप में रहेंगे। लेकिन और सुनो, मैं इन सब को गिरफ्तार करता हूँ। आई मीन टू से आई अरेस्ट ऑल। अब सर पूरे इंग्लिश में ट्राई करते तो। यू शट अप। सर सर मैं एक लाइन में कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। सर मेरे पास सुनिए। सर ऐसा मत कीजिए आप। क्यों? सर आप अगर हमारे कस्टमर को गिरफ्तार करके ले जाएंगे सर तो हमारी बड़ी बदनामी होगी होटल की। हाँ बदनामी तो होगी लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। अरे सर इस तरह से हमारा धंधा बंद हो जाएगा तो हमारे होटल में ठहरेगा कौन? ऐसा है क्या? जी सर। ऐसा सर सर मैं चाहता हूँ कि आप हमारे बारे में कुछ ठंडे दिमाग से सोचें। सोचिए। अरे यार मैं तो हमेशा ही ठंडे दिमाग से सोचता हूँ, देख लीजिए कितना बड़ा हिल स्टेशन है यहाँ पर। सर सर एक्चुअली हम चाहते हैं हमारे बारे में आप कुछ अच्छे दिमाग से सोचें। हाँ ये बात ही सही है। क्या सोचूं? मैंने सोच लिया। सर कुछ करने से पहले आप हमारी एक बार मालकिन से मिलिए। मालकिन से आइए सर। आए मालकिन। आइए तो आइए ना। मालकिन ये इंस्पेक्टर केन सिंह। हेलो मालकिन, वो कल जो अपने होटल में मर्डर हुआ है ये उसकी इंक्वायरी करने आए हैं और वैसे इन्होंने अपने होटल में सबसे इंक्वायरी कर ली है। अभी अपने कस्टमर को पुलिस स्टेशन ले जाना चाहते हैं तो आप इनसे कहिए कि इस तरह से ले जाएंगे तो होटल की बदनामी होगी। इंस्पेक्टर साहब आप तो जानते हैं कि मैं एक अपाहिज हूँ, अगर आप इस तरह हमारे होटल के कस्टमर्स को गिरफ्तार करेंगे तो इसमें हमारे होटल की बदनामी हो जाएगी। हाँ ये ठीक है, आप अपनी इंक्वायरी पूरी करें, इसमें मैं और मेरा पूरा स्टाफ आपकी मदद करेगा। जी। लेकिन वो भी है कि कानून की मदद करना हर नागरिक का फर्ज है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब मेरी आपसे एक विनती है कि आप प्लीज हमारे कस्टमर्स को गिरफ्तार ना करें। जी हाँ। ओके ओके मैडम, मैं आपके बिजनेस एस्पेक्ट और आपकी मजबूरी को समझ सकता हूँ, लेकिन अगर इस होटल में कातिल है और भी होटल छोड़कर भाग जाता है तो वो ऐसा लगेगा जैसे कि मैंने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली हो और अपना ही प्रमोशन खुद रुकवा लिया हो। और ये गलती इंस्पेक्टर के एन सिंह अपनी जिंदगी में कभी नहीं कर सकता। सर मैं ये कहना चाह रहा था yes? कि जब तक आपकी कार्रवाई खत्म नहीं होती मैं मालकिन की तरफ से वादा करता हूँ कि इस होटल से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। ये हमारा वादा सर। ठीक है मिस्टर यू, आई मीन टू से आपका नाम क्या है? मालकिन ने नाम रखे नहीं, सब मैनेजर ही कहते हैं। हाँ मिस्टर मैनेजर जी, अगर वादा कर रहे हैं तो हम आपकी बात पर यकीन कर लेते हैं लेकिन हमें उन पर नजर तो रखनी पड़ेगी। कौन सी बुरी? अरे वही वाली। अच्छा सॉरी सॉरी इंस्पेक्टर साहब, मुझे आपकी कार्रवाई से कोई एतराज नहीं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, मुझे भी एक्चुअली कोई एतराज नहीं। यू शट अप। जाओ उधर। नहीं नहीं आई, मैं आपको पुलिस स्टेशन दिखा देता हूँ। पास में है क्या? यही पास ही में तो। आइए आइए यही तो बैठते हैं रोज आप इधर। गुड आफ्टरनून कमिश्नर साहब। गुड आफ्टरनून मिस्टर केन सिंह, एनी क्लू? सर क्लू तो अभी तक हाथ नहीं लगा, लेकिन सर होटल गुमनाम में रहने वाले सभी लोगों को मैंने कह दिया है
कि जब तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती इस होटल को छोड़कर कोई नहीं जाएगा। आई सी। पुराने रिकॉर्ड से पता चला है कि इसी होटल गुमनाम में पहले भी कत्ल हो चुका है और उसके पहले इसी होटल के मालिक का मर्डर भी हो चुका था। सर, ये रिपोर्ट मुझे पहले ही मालूम पड़ गई थी लेकिन मैंने फाइल को नहीं पढ़ा था क्योंकि मुझे मौका वारदात पर जाना था ना। एनीवे, अभी इसे आप पढ़ लीजिए और शंकरगढ़ से बाहर जाने वाले सभी रास्ते पर कड़क बंदोबस्त कर दीजिए, स्पेशली चेक पोस्ट पर। सर, मुझे जैसे ही ये रिपोर्ट मिली मैंने शंकरगढ़ से जाने वाले सभी रास्तों पर नाकाबंदी करवा दी है। इट्स वेरी गुड। अब मैं जा रहा हूँ लेकिन मुझे टेलीफोन पे बराबर इन्फॉर्म करते रहिए कि इस केस की प्रोग्रेस क्या हो रही है। अगर कोई भी क्ल्यू मिले या किसी पे भी डाउट हो तो मुझे इमीडिएटली इन्फॉर्म करना। श्योर सर। ओके, थैंक यू। अरे यार, आप सब लोग इतने गम में क्यों हैं? देखिए भाई, जिसको जाना था वो तो चला गया। हाँ, अफसोस हमें भी है। अरे दुनिया में लोग आते हैं और जाते भी हैं, ये तो हम बात है, किस किस का शौक मनाएंगे। वैसे मुझे लगता है कि वो लड़की हम में से किसी की रिश्तेदार तो नहीं थी, फिर इतना शौक मनाने का फायदा क्या? हम यहां आए घूमने तो मस्ती करनी चाहिए, मजा करनी चाहिए, फहाकी सब कुछ भूल जाना चाहिए। अरे ओ मैनेजर। यस सर। कहां हो तुम? म्यूजिक लगाओ। ओके सर। म्यूजिक लग जाए तो बस हंगामा हो जाए, और फटाफट खाना भी लगाओ। हाँ, ओके, द म्यूजिक हैज स्टार्टेड। गुड। हाँ, अब सबके चेहरे पे मुस्कान आई है, लेकिन इतनी सी मुस्कान से काम नहीं चलेगा। देखो भाई, हम यहाँ आकर उदास और डरे हुए रहेंगे तो कोई मतलब नहीं बनता। ये शंकरगढ़ हिल स्टेशन है, यहाँ पर सिर्फ मस्ती और मजाक होनी चाहिए, नथिंग एल्स। यू मस्ट एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ आउट हियर। ओके, एनीवे, आई विल इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। मेरा नाम सुशील श्रीवास्तव है और ये हमारे प्यारे BMW। BMW? तुम कोई कार हो क्या? नहीं नहीं, कार नहीं भाई, तो हम एरोप्लेन। वैसे ही हमारा शॉर्ट नेम है, हमारा नाम है ब्रिज मोहन वाधवान। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। और आपकी तारीफ? जी मैं किशोर, किशोर मेहता नाम है मेरा। आपकी तारीफ? आई एम कुसुम कपूर। ओके, आपकी? मेरा नाम है राज, राज अरोरा। नाइस मीटिंग यू। सेम हियर। और ये हमारे दोस्त ठकराल। हाय। ओके, और आपकी तारीफ? माय नेम इज स्वाति सक्सेना। ओके, अरे बाप रे बाप रे, आराम से आराम से आराम से। आहा, आपकी तारीफ? हमारा नाम है लंबू दादा। गुड। क्या करते आप यहाँ पर? हमको यहाँ देखो नहीं, होटल बियर बार का नौकर। गुड। हमारा नाम है सुशील श्रीवास्तव। समझ गया, आपका वजन देखकर। एक इनको दीजिए, लो पीजिए, और एक आपको। आज कोल्ड ड्रिंक लीजिए। बैंडेड कहाँ है? इस होटल में हर रोज मर्डर होता है, अब बैंडेड नहीं हॉस्पिटल की जरूरत। करिश्मा वो चारों वहाँ पहुँच चुके होंगे और उन्हें ये खबर लग चुकी है कि मैं यहीं कहीं शंकरगढ़ में ही हूँ। बिल्लू, उन्हें ये खबर तो लग चुकी है कि तुम शंकरगढ़ में हो, लेकिन साथ ही साथ उन्हें ये पता भी चल गया है कि माल तुम लेकर आ रहे हो। लेकिन ये हो नहीं सकता। बिल्लू, कभी अपने दुश्मन को कमजोर मत समझना। आज तक जिंदगी में जिसने भी अपने दुश्मन को कमजोर समझा है उसने हमेशा धोखा खाया है। इसलिए हमेशा एक बात याद रखो, अपने दुश्मन को कभी माफ मत करना। शायद तुमने वो कहानी नहीं सुनी, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 14 बार माफ किया था, लेकिन आखिर एक दिन उसे उसका निशाना बनना ही पड़ा। तो फिर इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें
वही करना होगा। ठकराल, हम होटल तो पहुंच गए हैं और होटल पहुंचने का हमारा मकसद था वहां तक पहुंचना। अब हमें काम शुरू कर देना चाहिए। काम शुरू करने के लिए हमें आंख बचाकर काम करना होगा, क्योंकि किसी को अगर हम पर शक हो गया तो हम हमारे मकसद में कामयाब नहीं होंगे। और होटल का मैनेजर तो हमेशा बिजी रहता है, लेकिन वो दो लड़के जो हद से ज्यादा ही चालाक नजर आते हैं, दूसरों के कामों में इंटरफेयर करने की उनकी कुछ ज्यादा ही बुरी आदत है। उन दोनों की फिक्र मत करो, उन दोनों को मैं ऐसा चकमा दूंगी कि वो होटल गुमनाम में ही गुम हो जाएंगे। Yes, very good. ठीक है, तो हम आज से ही अपना काम शुरू कर देते हैं, लेकिन everybody has to be very careful. किसी को शक नहीं होना चाहिए। डन डन डन। वो वेलकम सर, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? यहाँ का मैनेजर कौन है? यस, मैं हूँ, बोलिए। आप? यस। देखिए, मुझे एक रूम चाहिए यहाँ। एक कमरा आपको चाहिए रहने के लिए? कितने दिनों के लिए? देखिए, शंकरगढ़ जैसे हिल स्टेशन पर आया हूँ, यहाँ की खूबसूरती मुझे कितने दिन रख पाती है ये इस पर मुनासिर करता है। खूबसूरती पे डिपेंड, मैं समझा नहीं। अरे भाई, को घर से तो तय करके चलता नहीं, कोई कितने दिन रहेगा। अब यहाँ आया हूँ तो यहाँ का आबो हवा, यहाँ की खूबसूरती मुझे कितने दिन रख पाती है उसी पर डिपेंड करता है। फिर भी साहब, मुझे एंट्री तो करनी पड़ेगी, तो कितने दिन के लिए बुक कर दूं? एक हफ्ते के लिए। एक हफ्ते आप रुकेंगे यहाँ? जी हाँ। सिंगल है या कोई और है साथ में? सामान यहाँ नाम पता लिख दीजिए, मैं आपकी चाय भी। कितने लोग ठहरे हुए हैं यहाँ? सर आप आम खाइए गुठली से क्या। यहाँ यहाँ इधर नाम, यहाँ एड्रेस, और ये कहाँ से आ रहे हैं? ये लीजिए एड्रेस, आपने ही लिखा ना? क्या? नहीं, आपने ही लिखा होगा, मैं तो इसे कंफर्म कर रहा था। ओके, एंजॉय स्टे। वेटर, सामान लेके जा। तंग मत करो। स्वाति, तुम मुझे एक बात बताओ, हम लोग यहाँ पर क्या करने आए? मौज मस्ती। मौज मस्ती? मौज मस्ती में यहाँ पर कोई किसी को तंग करता है? नहीं। नहीं तो फिर तुमने मुझे ये क्यों कहा कि मुझे तंग मत करो? मैं जो तुम्हें तंग करना चाहती थी, आज मेरी बारी है। अरे, अरे। बेला बेला आ गई मेरे प्यार की बेला। देख, मैं तुझे कहती हूँ मुझे छोड़ दे, कहीं ऐसा ना हो कि ये टमाटर काटते काटते मेरा ये चाकू तेरा पेट भी काट डाले। बेला, मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ, तू हमेशा दिल जलाने की बात करती रहती है। मैं तुझसे प्यार करता हूँ और तू बार बार चाकू दिखाती रहती है। होटल में चाकू चल चुका है, और ये चाकू अगर मुझे लग गया और मैं मर गया तो? नहीं नहीं नहीं, मैं तुझे मारूंगी नहीं, मैं तो तुम्हारी पूजा करूंगी, और जब तू मर जाएगा ना तो तुझ पर फूल डालूंगी फूल। बेला बेला, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। अच्छा सुन, दुनिया में तू ही नहीं है। मालूम है, बोल। आजकल अपने होटल में दो फुलझड़ियां आके ठहरी एकदम फर्स्ट क्लास, मुझे सिर्फ आग लगाने की देरी है। और कहीं ऐसा ना हो आग उधर लगे और इधर तू जल के खाक हो जाए। चल चल चल, बकवास बंद कर। बेला बेला, तू किसी और की नहीं हो सकती, समझी? तू मेरी है, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, समझी? मेरी बात सुन। मुझे मारता क्यों है? मेरा हाथ तो छोड़। तू क्या इधर उधर की बातें करती रहती है? मैं तेरी बात नहीं सुन। बात सुन मेरी, इधर कोई आ जाएगा। बात सुन तू। बोल बोल, मैं सुन रही। अच्छा सुन, कोई आएगा रूम 930 में, एक कस्टमर आके ठहरा है, जल्दी उसको टॉवल दे दे और बेडशीट वगैरह चेंज कर दे। नहीं नहीं, मैं नहीं जाती, तू जा, मैं सब्जी काट रही हूं। तू आजकल बड़ी कटी कटी रहती मुझसे। एक बात बता दे, तो प्यार करता हूँ तुझसे? प्यार करता हूँ मैं तुझसे? तू जाता है या नहीं? प्यार प्यार, देख कोई आ रहा है। कौन आ रहा है यार? हेलो मैडम, आप यहाँ हैं? मैं आपको रूम में पूरे हॉल में कहाँ कहाँ ढूंढ के आ रहा हूँ। क्या बात है मैडम?
मैडम इस बेला से हम लोग बहुत परेशान हो गए, एकदम नाक में दम कर रखा है। मैं अकेला क्या क्या करूं, उधर रिसेप्शन में काउंटर बैठो, कोई कस्टमर बिल मारे वहां जाके मैं बेडशीट चेंज करता हूं, मैं वहां सब कुछ करता हूं, मैं एक अकेला क्या। एक सेकंड मैडम आप बताओ मुझे, मैं मैनेजर हूं, वेटर हूं, कुक हूं, मैं क्या हूं, परेशान कर रखा उसने। आप बेला को कुछ करो आप। ठीक है बेला को बुलाओ। बेला क्या बात है, इतना सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहा है तू? बेला जी मैडम, मैनेजर तुम्हारी कंप्लेंट कर रहा है। मैडम मैडम वो बात यह है कि आप तो जानती है ना, सारा दिन कितना काम करती रहती हूँ, फिर भी इसकी आदत है बुराई करने की, जब देखो मेरी बुराई करता रहता है। ये आदत कभी नहीं जाएगी, कभी नहीं सुधरेगा ये। मैडम मैडम ये झूठ बोल रही, मैं सच बोल रहा हूँ। मैडम मैनेजर बिल्कुल सही कह रहा है, और बटलर कभी झूठ नहीं बोलता। मैनेजर सब ठीक हो जाएगा, कंट्रोल योरसेल्फ। ओके ठीक है, झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों मिलजुल कर काम करो, होटल का ख्याल रखो। इन लड़कियों को क्या ताक झांक कर रहे हो मिस्टर बीएमडब्ल्यू? होटलों और गेस्ट हाउस में लड़कियां ताक झांक के लिए होती है, ये तुम्हारी बदनसीबी है कि तुम मौका नहीं ढूंढते। लेकिन मुझे एक बार मौका मिल गया तो मेरा दावा है कि इस होटल गुमनाम के गार्डन में कल ये दोनों कलियां फूल बन के मुस्कुराएगी। अब क्या प्रोग्राम है मिस्टर बीएमडब्ल्यू? बंदा मौका ढूंढने की तैयारी करने जा रहा है। बाबूजी चाय। बाबूजी ये चाय गर्म है ना? पता नहीं बेला तुम्हारे हाथों में ऐसा क्या है कि ठंडी चाय भी गर्म रहती है। बाबूजी ये राज की बात है। ये क्या गुफ्तगू चल रही थी? अरे यार कुछ भी नहीं, पता नहीं तुम लड़कियों को शक की बीमारी इतनी जल्दी क्यों लग जाती है। तुम लोगों की गुफ्तगू से। अरे यार तुम लोग ऐसे ही टाइम पास करते रहोगे क्या? तुम क्या चाहते हो? चलो यार कहीं चलते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, पिकनिक मनाते हैं, क्यों? बेल भाइयों आपने बिल्कुल ठीक कहा, तंदुरुस्त रहने के लिए नाच गाने का होना बहुत ही जरूरी है, और इस पिकनिक में मैं भी चलने को तैयार हूँ बहन भाइयों। मैनेजर बिल्कुल सच कह रहा है बहन और भाइयों। चुब्बे रेडियो। लेकिन तुम लोग साथ में चलना यार, तुम लोगों के बगैर पिकनिक अधूरी रह जाएगी। बहनों भाइयों मैं आज की पिकनिक में अवश्य ही अवश्य चलूंगा, वरना मेरा मिशन अधूरा रह जाएगा। बहनों भाइयों मैं सबसे पूछ कर आता हूँ। मैनेजर बिल्कुल सच कह रहा है बहनों और भाइयों। तू मेरी क्यों बिना का गीत माला खराब कर रहा है, तू इधर आ। अरे अभी ये क्या करने गया है? दुल्हा दुल्हन के साथ बाराती तो होते हैं, उन्हें लेने गए। भाइयों और इनकी बहनों, मैं ही पूछना चाहता था कि आज शाम होने वाले उस पिकनिक में क्या आप लोग चलेंगे? पिकनिक? वाव हम लोग चलेंगे। बटलर लंबू अब चलते हैं आखिरी और अगली पायदान की ओर। बहनों भाइयों क्या आज शाम की होने वाली इस पिकनिक में आप भी चलेंगे? बटलर मेरे ख्याल से मौसम की खराबी होने की वजह से ये रेडियो स्टेशन सही नहीं पकड़ पा रहा है। भला इसी में है बहनों भाइयों कि हम लोग निकल लेते हैं, उठ लेते हैं। नमस्ते, नमस्ते। Wow.
मैं आप लोगों ने चीखने की आवाज तो सुनी होगी। चीख नहीं तो मैं तो आराम से सो रही थी। ओ हो रिटा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि रात को इतनी मत पिया करो, जो कुछ बोलो सोच कर बोलो। चीख तुमने नहीं मैंने सुनी थी। क्या हुआ डार्लिंग,
सुबह हो गई, ठकराला और मैनेजर का कोई पता नहीं, मालूम नहीं दोनों कहाँ चले गए। लगता है अब हमें चलना चाहिए। यस, अब रुककर कोई फायदा भी नहीं है। थोड़ी देर रुक जाते हैं, शायद ठकराल और मैनेजर आते ही होंगे। ए, तुम लोग यहाँ? अरे जल्दी चलो जल्दी। अरे लेकिन तू हाफ कह रहा है। उधर उधर वहाँ मैंने देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा है? मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। जल्दी चलो जल्दी। चलो चलो। Very good. Mr. Raj Arora. Yes, sir. Mr. Kishore Mehta. तो तुम दोनों ने ही पिकनिक में जाने का प्रोग्राम बनाया था। लेकिन इंस्पेक्टर, हमारे पिकनिक से सुशील कुमार ठकराल के कत्ल का क्या संबंध था? संबंध है मिस्टर राज अरोरा, संबंध है तुम दोनों का पिकनिक का प्रोग्राम बनाना, कुसुम और स्वाति का तुम लोगों के साथ जाना, मिस्टर ठकराल की नीयत कुसुम और स्वाति पर खराब होना, तुम दोनों का उसे मार देना, खत्म कर देना, क्योंकि ठकराल एक अय्याश इंसान था, वो शराबी था, कबाबी था, अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकता था। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, हम लोगों का ठकराल के कत्ल से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं था। हम लोग तो वहाँ पर पिकनिक मनाने गए थे, ना कि किसी का कत्ल करने। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हमने जंगल में से एक गाने की आवाज सुनी जी हाँ, और हम सब लोग उसी दिशा में चल पड़े। अचानक एक चीख सुनाई दी हमें, और लाश का पता तो हमें मैनेजर ने बताया। बिल्कुल हाँ, एक सेकंड बात बता रहा हूँ, भाग नहीं रहा हूँ। लाश का पता मैंने जरूर बताया था, लेकिन मेरा फर्ज था कि इस बात की किसी ना किसी को खबर देनी थी, और मुझे कोई मिला नहीं तो मैंने इन लोगों को बताया। अब लाश का पता बताने से मैं कोई गुनहगार तो नहीं हो गया, मैंने कोई हत्या तो नहीं की। अरे मेरी बात तो सुनिए आप। यस हाँ, पहले इनसे हाथ तो छोड़िए। मिस्टर यू, आई मीन टू से मैनेजर, नाम नहीं रखा मालकिन ने अब तक। हाँ यस मिस्टर मैनेजर जी, तुम सुबह सुबह जंगल में क्या करने गए थे? मैं सुबह सुबह गया ही नहीं, मैं गया था शाम को, वो भी साहब लोग साथ। तुम सुबह सुबह जंगल गए थे? हाँ सुबह गए थे, रोज जाते हैं दूध लेने, दूध का भी धंधा करते हो क्या? साफ साफ देखना पड़ता है, अकेले मैं सब संभालता हूँ। अब मुझे क्या पता था दूध लेने जाऊंगा और यमराज के दर्शन हो जाएंगे। आई एम यमराज। इंस्पेक्टर साहब, दरअसल कातिल यहीं कहीं छिपा हुआ है, बस सिर्फ आपकी एक बार सख्ती बरतने की देर है। आखिर वो मेरा दोस्त था जिसका कत्ल हुआ है। डोंट वरी मिस्टर BMW, मैं इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूं। जब तक असली कातिल का पता नहीं चल जाता, तब तक आप लोगों में से कोई भी शंकरगढ़ के इलाके से बाहर नहीं जाएगा। अंडरस्टैंड? आइए। आप मिस्टर मल्होत्रा, ये इंस्पेक्टर केन सिंह। वेरी ग्लैड टू मीट यू। मेरा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। ये हमारे पुराने कस्टमर हैं, अक्सर ही ठहरते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन आप शंकरगढ़ से बाहर नहीं जा सकते। अंडरस्टैंड?
क्या? यस। अब इतना कह रहे हैं तो मत जाइए बाहर। शट अप। अप। कहाँ कहाँ ले जा रहा है ये? मैनेजर जी, इंस्पेक्टर सिंह को खबर कर दो कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। जी मैडम। और मैं आप सब लोगों से क्षमा चाहती हूँ। आप सब लोगों से इंस्पेक्टर सिंह ने आकर होटल में पूछताछ की। देखिए, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा ये बात बुरी लगी है कि ठकराल की हत्या हो गई है, इसलिए कातिल का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज इंस्पेक्टर सिंह को फुल कोऑपरेशन दीजिए। लेकिन मैडम, आप इंस्पेक्टर सिंह को समझाइए। उन्होंने कहा है कि शंकरगढ़ से कोई बाहर नहीं जा सकता, ये गलत है। अब मैं यहाँ आया, मेरा काम खत्म हो गया, अब भला मैं क्यों ना जाऊँ? देखिए मिस्टर मल्होत्रा, आप अपनी जगह सही हैं, लेकिन अगर इंस्पेक्टर सिंह ने आप सब लोगों को रुकने के लिए कहा है तो जरूर कोई वजह होगी। अब मुझसे नहीं चला जाता। क्या हुआ स्वाति? चलो जल्दी चलो। अब मुझसे नहीं चला जा रहा। समझने की कोशिश करो स्वाति, अगर हम लोग यहाँ पर एक पल भी रहेंगे ना तो हर दिन एक नई मुसीबत खड़ी रहेगी। चलो स्वाति, थोड़ा हिम्मत करो। अब मुझसे थोड़ा भी चला नहीं जा रहा किशोर। नो किशोर, अगर राज को पता चल जाएगा तो? देखो स्वाति, मैंने राज को कह दिया था, अगर उसे आना होगा तो वो जरूर आ जाएगा। हमें ये चांस मिला है और हमें इस चांस का जरूर फायदा उठाना चाहिए। वो दोनों हवलदार अपने आप को शाहरुख खान सलमान खान समझते हैं, ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए होंगे हमें। किशोर, वो देखो अर्जुन। क्यों तुम हमें हमारे फेट नेम से बुला रहे थे? कहां भाग रहे थे? तुम क्या समझते हो कि करण और अर्जुन को चकमा देकर भाग जाओगे? तुमने पुलिस वाले को बेवकूफ समझ रखा है क्या? हमारे सामने उसी दिन तुम दोनों पर नजर रखने को कहा था, और हमारे साहब की आंखें महाभारत के संजय की आंखें हैं, जो भविष्य देखती है। चलो चलो यहां से चलो। प्रेम की आग में चला हूँ, चलेगी ना? नहीं, बचाओ! क्या है? हाँ, क्यों नहीं चलेगी? आ जा! पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो,
ये भी मर गया। ये तो एक और गया। हे, तू देखते जा, एक एक करके साथ चले जाएंगे। तो फिर यार अब हमारी ड्यूटी क्या लगेगी? पागल हो गया है, सरकार उसका भी बंदोबस्त करेगी। और सुन, अच्छा? ये बता, अब हमें करना क्या है? अरे करना क्या, असली कातिल को पकड़कर इंस्पेक्टर को दे देंगे। हे! मैं जानता हूँ इसका असली कातिल कौन है। ये लाइटर बताएगा कि इसका असली कातिल कौन है। किशोर, ये लाइटर तुम्हारा है ना? क्या मतलब? मतलब साफ है कि जिसका ये लाइटर, कातिल वही। मेरा लाइटर यहां पर मिलने का मतलब ये नहीं कि कातिल मैं ही हूं। वाह, क्या ड्रामा किया है मल्होत्रा साहब। आप सच कह रहे हैं, यही असली कातिल है। इसी ने मेरे दोस्त का कत्ल किया है। मैंने इसे मेरे दोस्त के पीछे पीछे जाते देखा और उसके बाद किशोर, इंस्पेक्टर सिंह को तो मैंने किसी तरह समझा बुझा कर भेज दिया है, लेकिन शक की सुई अभी तुम पर ही घूम रही है। और वैसे भी मिस्टर वाधवान की गवाही से तो यह साबित होता है कि कातिल तुम ही हो, इसलिए मैं नहीं चाहती कि अब यहाँ पर ऐसी और कोई बात हो जिसकी वजह से इंस्पेक्टर सिंह को वापस यहाँ आना पड़े। मैडम कमाल है, वो दोनों आदमी वाधवान और रीटा के आदमी थे, फिर भी मैडम मैं डरता हूँ कहीं इस बार पुलिस। मैनेजर, सोच समझ कर बोला करो। नहीं मैडम, मैनेजर सच कह रहा है। अगर इसकी बात ये सच है तो फिर किसी की भी बारी हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं होगा मिस्टर मल्होत्रा, अब हम सबको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। और वैसे भी अब हम सबको मिलकर पता लगाना है कि आखिर वो गुमनाम कातिल है कौन। Eso
बोले मन में बजे एक तारा, बाहों में आ जा रे मेरे यारा। तुम तारा तुम तारा तुम तारा तुम 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 तारा तुम तारा तुम तारा तुम 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 तारा तुम तुम तारा तुम तुम तारा तुम 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 तारा तुम तुम तारा तुम तुम तारा तुम। ले लो मजा जवानी रुक गोरी रुक रे क्या तेरा लुक रे तोड़ो ना दिल हमारा बाहों में आ जा रे मेरे यारा। तुम तररा तुम तररा तुम तररा तुम 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 तररा तुम तररा तुम तुम तररा तुम 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 तररा तुम तुम तररा तुम तुम तररा तुम 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 तररा तुम करो तुम डरो नहीं छुप छुप कर आए भरो नहीं जान की बाजी लगा देंगे चलो प्यार करें हम तुम तररा तुम तररा तुम तुम तररा तुम 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 तररा तुम तुम तररा तुम तररा तुम। आजकल होटल में हो रही हत्याओं से तो पुलिस डिपार्टमेंट भी परेशान है। कैसे रोके इन हत्याओं को कुछ समझ नहीं आता। लेकिन करिश्मा तुमने जो किया वो क्या कम है? ठकराल की मौत से उसके तीनों साथी डर से गए। मुझे तो लगा कि कहीं वो होटल छोड़कर चले गए तो। अगर वो तीनों होटल छोड़कर चले जाते तो वो चारों लड़के लड़कियां भी चले जाते। और वो मल्होत्रा जो शक्ल से ही कमीना दिखता है। लेकिन एक बात जान लो, अगर हत्यारे ने इन चारों की हत्या की तो उसके पीछे जरूर कोई मकसद है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, अगर उन दोनों की भी हत्या हो गई तो क्या होगा? बिल्लू, अगर BMW और रीटा की हत्या हो जाती है तो हत्यारे का तो रास्ता साफ हो जाता है और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। लेकिन तुम एक बात जान लो, अगर उस हत्यारे ने उन चारों की हत्या की तो इसका मतलब है वो चारों जरूर किसी मकसद से यहाँ आए हैं और उनका मकसद अब मैं जान गई हूँ। काम? कैसा काम? तुम होटल के मैनेजर को अपने प्रेम जाल में उलझा दो ताकि वक्त पड़ने पर वो हमारी मदद करे। प्लान BMW का होगा और उसमें मदद तुम करोगी। तुम तो जानती हो कि मैंने ऐसी गोली चला दी इस सब के सब घायल हो गए। मैंने सबको मिसगाइड कर दिया। मैंने झूठ कहा कि किशोर ने सुशील का कत्ल किया। अब मेरा और तुम्हारा रास्ता साफ हो गया है। कोई हम पर शक नहीं करेगा। मैनेजर पे मैं ऐसा जादू चलाऊंगी कि वो सपेरे की तरह बीन बजाते हुए मेरे पीछे आएगा और उसी दौरान तुम अपना काम कर लेना। मान गया नागिन, तुम्हें मैं मान गया। लाश, पुलिस को बुलाता है, पुलिस को। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे मिल गए। लेकिन तुम यहाँ जंगल में? इंस्पेक्टर साहब, मैं किसी का पीछा कर रहा था, अचानक मैंने किसी लड़की की चीख सुनी। जैसे ही वहां पहुंचा वहां एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। डेड बॉडी? हां, डेड बॉडी। वेरी गुड सर, जल्दी चलिए सर। हां, जल्दी 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 चलो सर, जल्दी चलो। कहां है लाश? इंस्पेक्टर साहब, लाश यहां पर ही थी। इंस्पेक्टर साहब, तुमने झूठ बोलकर
मेरा सारा प्लान खत्म कर दिया। इंस्पेक्टर साहब मैं सच कह रहा हूँ, लाश यहाँ पड़ी थी। राज तू यहाँ पर क्या कर रहा है? किशोर किशोर तू इंस्पेक्टर साहब को समझा, मैंने मैंने एक लड़की की लाश यहाँ पड़ी देखी है। किशोर तुम अपने दोस्त को समझाओ कि ये अपनी आंखों का इलाज करवाए। किशोर मैं सच कह रहा हूँ, किशोर मेरी बात समझ, किशोर यही थी लाश। किशोर अपने दोस्त को पागल खाने ले जाओ, इसकी आंखों के इलाज के साथ साथ इसके दिमाग का भी इलाज कराओ। किशोर मैं पूरी बात समझ रहा हूँ मेरे दोस्त, कि कोई तो हमें गुमराह करना चाहता है। तू फिक्र मत कर मेरे दोस्त, थोड़ी देर के लिए शांत हो जा। आप इधर बैठ के क्या करते साहब? तो क्या करना चाहिए यहाँ पर बैठकर? अरे साहब मजा करो मजा। मजा बाहर नहीं जाने चलो साहब, हमारा होटल में डिस्को होता है साहब। डिस्को? हाँ। और यहाँ पर ये हिल स्टेशन में साहब डिस्को होता है साहब, हमारा होटल में। आप हमारे साथ चलो साहब, सब हाँ। सब मजा लेता है साहब, आप भी लो। क्यों आप चलो साहब, चलो चलो राजू कुसुम को भी साथ ले लेते हैं। ओके हां साहब, सबको ले लो, सबको ले लो। चेहरा मेरा यार तेरा, नसीबों से पाया मैंने प्यार तेरा, सबसे है प्यारा हाय रूप तेरा, जन्मों से था इंतजार तेरा, पाएगी तू अरे पाएगी तू एक दिन प्यार मेरा, दिल मेरा हुआ तेरा, दिल मेरा हुआ तेरा, फूलों जैसा चेहरा मेरे यार तेरा, नसीबों से पाया मैंने प्यार तेरा, फूलों जैसा चेहरा तेरा, फूलों जैसा चेहरा तेरा। सोला शबाब तू नशा है शराब का, नशा है शराब का, तू नशा है शराब का, फूलों में फूल हो फूल गुलाब का, फूल गुलाब का, तू फूल गुलाब का, तेरे पीछे तेरा
रीटा मुझे यकीन नहीं हो रहा है तुम्हारी बाहें मेरे गले में, ये सब पहली बार हो रहा है मेरी लाइफ में। रीटा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सच रीटा, रीटा मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। रीटा मैं तुम्हें होटल के अलग अलग एंगल से अलग अलग जगह से बहुत टाइम से देख रहा हूँ। तुम्हारे साथ वो कौन दो रहते हैं राव केतु, जिनकी वजह से मैं तुम्हारे करीब नहीं आ पाता हूँ। रीटा रीटा देखो दिल लिया दर्द लिया, मैंने प्यार किया दिल से, देखो दिल तो पागल है, दिल तो घायल है, दिल की आवाज भी सुन, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। मेरा प्यार दादा से कल्याण तक नहीं कयामत से कयामत तक है। रीटा तुम थोड़ी दुबली क्यों नहीं जाती, एकदम छह रही मेरी मालकिन की तरह। मेरी मेरी मालकिन पे भी नजर है मगर मैं कह नहीं पाता हूँ, कहीं कह दिया और नौकरी से निकाल दिया। अरे यार ये क्या फालतू बातें कर रहा हूँ। अरे रीटा सच तो ये है आज की डेट में मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। सच? सच नहीं तो क्या झूठ बोल रहा हूँ, अजीब अजीब बातें कर रही है, सच बोल रहा हूँ। और देखो मौका सही है, होटल में कोई है भी नहीं, निकल चलो मेरे साथ, भाग चलो। डार्लिंग अभी तक वो शुभ घड़ी आई नहीं। क्या तुम घड़ी घड़ी कर रही हो, ये घड़ी बुरी है क्या, ये घड़ी बुरी है क्या? वो शुभ घड़ी दो दिन बाद आ जाएगी। रीटा तू लंबी लंबी डेट दे रही, दो दिन कर रही है, कहीं ऐसा ना हो कि दो दिन बाद तुम फिर बोलेगी दो दिन और। नहीं डार्लिंग तुम सिर्फ दो दिन का इंतजार करो। दो दिन क्यों कह रही है रीटा, तुम मेरी हो। क्या बात है? आज हमसे ये दूरी, तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था? जाने मन आज का दिन याद करने का नहीं मोहब्बत करने का है। ए, ए, कौन है? गुड इवनिंग सर। होटल के मैनेजर होकर ऐसी गिरी हुई हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? सर वैसे तो हरकत गिरी हुई है मगर ये खड़ी नहीं होती है। पकड़े जाने पर बातें बनाना खूब जानते हो तुम। वो क्या है सर, आप जैसे लोग हमारे होटल में ठहरते हैं। अच्छा। और खूब अय्याशी करते हैं ओ। फिर चले जाते हैं, बाद में हम जब साफ सफाई करवाते हैं तो बेड में बाथरूम में रूम में बड़ी लीगल चीजें मिलती हैं। क्या? हाँ तो नजर तो रखनी पड़ती है ना। अच्छा हाँ, हाँ? यार तेरी ऐश करने वाली बात तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा लेकिन सच बात यह है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल ही ऐश नहीं कर पाया। क्या बात कर रहे हैं? श, 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 नहीं नहीं क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं, जरा भी नहीं। नजदीक आओ, यहाँ पास के जंगल में ऐश का पूरा इंतजाम है। वाओ कंट्रोल करो मुझे, शाम को टहलने के हिसाब से चले जाया करो। अच्छा राउंड मार के आ जाया करो। ओके मजे ही मजे। अच्छा मजे ही मजे। हाँ तो तुम चल रहे हो ना मेरे साथ में? नहीं 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 तो कबाब में हड्डी नहीं, अकेले जाओ। अकेले जाओ। ओके ठीक है बाय, ऑल द बेस्ट। जाओ ये भी गया काम। अगर थोड़ी दूर मैं आपके साथ चलूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? ऑफ कोर्स नॉट, चलो। तुम अपनी आंखें बंद कर लो और मेरी आंखों से देखो। ठीक है। तू कहाँ चला गया था किशोर? हम सब कितना परेशान थे तेरे लिए। राज अब हम यहाँ नहीं रहेंगे,
अगर किशोर को कुछ हो जाता तो? उसने तो किशोर को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। स्वाति, आज तेरे प्यार ने इसे बचा लिया। स्वाति, तेरा प्यार जीत गया स्वाति। लेकिन तू फिकर मत कर स्वाति, मैं उन कमीनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा उन्हें। तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना राज? हाँ मेरे दोस्त, तू ठीक तो है ना? किशोर, आज मैं मौत के मुंह से बच गया। किशोर, मैं जानता हूं राज, और मुझे पता भी चल गया है कि कातिल कौन है। कौन है? मल्होत्रा, वाह क्या ड्रामा किया तूने। काजल की कोठरी में रहकर तू अपने आप को बेदाग रखना चाहता था। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त की जान लेने की? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मल्होत्रा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरा गिरेबा पकड़कर तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। गलती तो मैं तब करूंगा जब पुलिस स्टेशन तू सही सलामत पहुंचेगा। मैं भी तो यही चाहता हूं कि गुनहगार को पुलिस के हवाले किया जाए। लेकिन राज पर अटैक मैंने नहीं किया। अगर तूने राज पर अटैक नहीं किया तो तू वहां का सबूत क्यों मिटा रहा था? सबूत? सबूत जानना चाहते हो? ये चेन मुझे वहां से मिली जो रीटा की। रीटा की? क्या अभी भी तुम मुझे पुलिस स्टेशन ले जाना चाहते हो? लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। नहीं मल्होत्रा, नहीं, मैं तुझे पुलिस स्टेशन जरूर ले चलूंगा, क्योंकि मुझे किसी की बात पर यकीन नहीं है। क्योंकि तुम सब लोगों ने मेरे दोस्त की जान लेनी चाहिए। पुलिस स्टेशन तो तुझे चलना ही होगा मल्होत्रा। ठीक है, चलो। इंस्पेक्टर साहब, मल्होत्रा को मैंने रंगे हाथ पकड़ा है। क्या किया इन्होंने? मल्होत्रा ने मेरे दोस्त राज पर अटैक किया और वहां पाए जाने वाले सबूतों को मिटा देना चाहा। देखो भाई, मैं आपके अकेले के कहने से तो ये नहीं मान सकता हूं कि मिस्टर मल्होत्रा ने मिस्टर राज पर अटैक किया। अच्छा, क्या यह नहीं हो सकता है कि तुम्हारा चक्कर तुम्हारे दोस्त की गर्लफ्रेंड से चल गया हो और तुम खुद अपने दोस्त को अपने रास्ते से हटाने की साजिश में मिस्टर मल्होत्रा को घसीट रहे हो? इंस्पेक्टर, अभी तक तो मैं सुना था कि रिश्वतखोरी और पुलिस की दलाली सिर्फ चरों तक है, लेकिन मैं गलत था। कस्बों और हिल स्टेशन तक भी इसकी जड़ें फैली हुई है। यू शट अप! बहुत देर से तेरी बकवास सुन रहा हूं मैं, अब अगर आगे एक शब्द भी बोला तो क्या करेगा तू? चल मैं बंद कर देगा। हाँ बंद कर दे, मेरे ऊपर अपनी वर्दी का रंग जमाएगा। लेकिन तू एक बात भूल गया इंस्पेक्टर, तेरे जैसे इंस्पेक्टर कानून की वर्दी के ऊपर एक बदनुमा दाग है जो लॉन्ड्री के 10 धुलाई के बाद भी नहीं जाता है। तू जानता है इंस्पेक्टर, होटल में हो रहे हत्याओं के पीछे किसका हाथ है? और इंस्पेक्टर, तू बिक चुका है। मल्होत्रा के साथ साथ तू भी उन हत्याओं के पीछे बराबर का शरीक है। तुम जानते हो मिस्टर मल्होत्रा कौन है? वेरी गुड इंस्पेक्टर, मल्होत्रा को तुमसे बेहतर और कौन जान सकता है? जवानी के जोश में कहा हुआ हर शब्द सच नहीं होता। मिस्टर मल्होत्रा
सीबीआई ऑफिसर हैं जो होटल गुमनाम में तफ्तीश कर रहे हैं। और तुम इस राज को राज नहीं रख सकते, then I am sorry. हवलदार, बंद कर लेते। मिस्टर सिंह, ये मेरे साथ रहेगा। किशोर, मैं क्या हूं, मेरा मकसद क्या है, सिर्फ तुम जानते हो। अगर हमें उस हत्यारे को पकड़ना है तो हमें गुमनाम होटल के हर शख्स पर कड़ी नजर रखनी होगी। तुम्हें मेरा साथ देना होगा। यस सर। मल्होत्रा साहब, आई एम सॉरी। इट्स ऑल राइट। आखिर कब तक हम उन लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे? तुम नहीं जानते। मैं कुछ समझा नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि होटल गुमनाम में साजिश पर साजिश हो रही है। हर कोई अपना सिक्का जमाने के लिए एक दूसरे के सिक्के को झूठा साबित कर रहा है। लेकिन वो नहीं जानते कि असली सिक्का तो किसी और ही के पास है। अभी तक आया नहीं है, थोड़ी देर रुक जाती हूँ, फिर सोचती हूँ क्या करना है। यहाँ पर रुकना है या चले जाना है? अब मेरे लॉकेट। लगता है कोई नीचे मधुर आवाज में गा रहा है। चल राज, हम लोग जाकर देखते हैं। चल यार, चल। हाँ, ना
बाबूजी दूध। अरे बेला, बाबा सरदर्द की दवा है क्या? सरदर्द की दवा तो नहीं है। तुम लोगों का सर नहीं दर्द होता? बाबूजी, अगर हमारा सर कभी दर्द भी करता है ना, तो हम अपना सर अपने हाथों से दबा दबा कर ठीक कर लेते। अपना सर अपने हाथों से? हाँ। समझा नहीं बेला। पहले आप दूध लीजिए, मैं अभी समझाती हूँ। अब आप लेट जाइए, मैं आपका सर अपने हाथों से दबा देती हूँ। बाबूजी, अब सर का दर्द कैसा है? पहले से भी ज्यादा दर्द हो रहा है। क्या? अरे कुसुम, क्या हुआ? नाराज हो मुझसे? देखो मौसम कितना अच्छा है, चलो चलो चलते हैं कहीं घूमने। तुम्हारे सारे नाटक देख चुकी हूँ मैं बेला के साथ। मेरे? Yep. Just don't try to act smart, okay? अरे अरे ऐसे क्या हुआ कुसुम? अरे कुसुम, 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 कहाँ चली गई तुम? एक और यहाँ पे। कुसुम, क्या हुआ कुसुम? कुसुम, क्या हुआ? कुसुम, क्यों मुझे छोड़कर चली आई तुम? कुसुम, क्या हुआ? कुसुम, तुम्हें अपने प्यार में भरोसा नहीं है? चलो, चलो। धुआं उड़ाने वाले चिंगारी अपने पास रखते हैं मिस्टर राज, मिस्टर बीएमडब्ल्यू, बुझे हुए कोयले कभी धुआं नहीं देते। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा मिस्टर राज। भाई तो मैं पूछ सकता हूँ कि कल रात आप कहाँ थे? कल रात मैं इसी होटल गुमनाम में था। तुम तो जानते हो कि इंस्पेक्टर सिंह ने कितनी पाबंदी लगा रखी है। वैसे मैं जानना चाहूंगा कि मिस्टर राज कल रात तुम कहाँ थे? बच्चू, सवाल मैंने किया है जिसका जवाब आपने मुझे गलत दिया है। मुझे पता है कल रात आप जंगल में थे और आपने कुसुम को मारने की कोशिश की थी, जिसका सबूत है ये पेन। मिस्टर राज, शायद तुम्हें ये नहीं मालूम कि जिस जगह पर ये मेरी पेन मिली है उसी जगह पर तुम्हारा ये लाइटर भी मिला है, और इसका मतलब ये नहीं कि कातिल तुम हो। और एक बात बता दूं, एक साथ दो नाव में पैर रखना बहुत बुरी बात है। वैसे तुम बेला से मोहब्बत करते हो, ये बात मैं किसी को कहूंगा नहीं। तुझे तो मैं देख लूंगा। अरे जा, तू क्या मुझे देखेगा? मॉर्निंग मैडम, आपने बुलाया मुझे? हाँ, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ। वेरी गुड। हाँ? आप तो जानती हैं, आप जब यहाँ होती हैं तो पूरा स्टाफ बहुत निश्चिंत और बेफिक्र रहता है। मैनेजर, तुम तो जानते हो कि मैं अपने पैरों से अपाहिज हूँ, और वैसे भी मैं होटल में हो रही हत्याओं के बारे में सोच रही। क्यों हो रही है हत्याएं? अभी तक उस गुमनाम कातिल का कोई पता नहीं चला। अगर यही चलता रहा ना तो एक दिन ये होटल बंद करना पड़ेगा। नहीं मैडम, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैंने इंस्पेक्टर सिंह से बात कर लिया है, उसने दो कांस्टेबल हमारे होटल में भेज दिया है। और मैडम, हाँ? ये बात बाहर ना जाए तो अच्छा है, होटल की बदनामी होती है। मैनेजर, सिर्फ दो ही दिन की तो बात है,
ये लो चाबियां, और आगे क्या करना है तुम्हें पता ही है। यस मैडम, आगे मुझे क्या करना है मुझे अच्छी तरह पता है। गिरफ्तार कर लो इसे। तुम तो मर चुके हो ना? हाँ, जिंदा हूँ मैं। देखो अच्छा खासा जिंदा हूँ, नजर आ रहा है ना? आश्चर्य हो रहा है। मुझे मालूम था मालकिन कि इस होटल गुमनाम में एक मौत का यमराज है जो एक के बाद एक कत्ल किए जा रहा है। मौत के बाद मौत हो रही है, लेकिन मैं उन सबसे ज्यादा चालाक निकला। मैंने अपनी मौत का नाटक खेला। कैसा आइडिया लगा? मैंने अपनी मौत का नाटक खेला ये जानने के लिए कि गुमनाम कातिल कौन है। अब असली राज खुल गया। मालकिन मैं तो समझा था कि ये यमराज कोई आदमी होगा, भयानक सा आदमी, लेकिन ये तो खूबसूरत यमराज नहीं निकली। असली कातिल तुम हो मालकिन, तुम। गिरफ्तार कर लो इसे। ठहरो, मेरा कसूर क्या है? मैडम, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। तुम ही वो कातिल हो जो हत्याएं कर रही थी। इंस्पेक्टर साहब, अगर आप यहाँ नहीं आते तो ये औरत आज रात यहाँ से रुखसत हो जाती। शायद तुम्हें पता नहीं कि कानून के हाथ तुम्हारे हाथ से लंबे हैं। जैसा छोड़ क्यों दिया? किसको? अरे उस हत्यारण को। तुम पागल हो गए क्या? बोलते उसको छोड़ दिया। ये पैसा जनता का है और जनता को ही मिलेगा।
मिस्टर सिंह परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। होटल गुमनाम की असली मालकिन ये है जो बेकसूर है। गुनेगार इसकी हमशक्ल बहन करिश्मा और उसका भाई है। इन दोनों को इस प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया गया था। इस करिश्मा की सुबह शराब से होती है। आ गया तू? एक तू ही तो है जो मुझे अपना समझता है। मेरे पीछे मेरे सारे साथी पड़े हैं। मुझे कुछ पैसे देगा? मुझे शराब चाहिए। देखना, इस बोतल ने भी मुझे धोखा दे दिया। ठीक मेरी ये बैग नोटों से भरा है। इतने सारे नोट? लेकिन इन नोटों के पीछे मेरी जान को खतरा है। क्या? अगर किसी ने इन नोटों को हाथ भी लगाया ना, तो मैं उसका हाथ काट के रख दूंगी। मरने वाले ठकराल BMW और रीटा इनके साथी थे। दोनों भाई बहनों ने अपने साथियों को धोखा दिया और लुटा हुआ माल लेकर यहाँ चले आए। उन्होंने इस होटल के वॉचमैन और उसकी बेटी बेला को लालच देकर अपने हाथों की कठपुतली बनाया, जिसकी लपेट में राज और किशोर भी आ गए। राज और किशोर की कहानी भी करिश्मा के जान से जुड़ी हुई है। राज अरोरा एक करोड़पति बाप का बेटा है। इन दोनों ने राज अरोरा को किडनैप करने की योजना बनाई, ताकि उनके पिताजी से एक अच्छी खासी रकम फिरौती के रूप में वसूल कर सके। इसके लिए इन लोगों ने नकली डांस कंपटीशन का भी प्लान किया। इससे पहले कि वो इन्हें किडनैप करते, सुशील और उसके साथी पैसे की तलाश में शंकरगढ़ आ गए। लेकिन ये दोनों भाई बहन अकेले ही उस माल को हड़पना चाहते थे, इसलिए इन दोनों ने मिलकर एक एक करके उनका कत्ल करना शुरू कर दिया। एक बात और, खूनी का पता ना चले इन्होंने वॉचमैन की बेटी बेला को भूतनी बनाकर सबको गुमराह किया। दोस्तों, ये जो इस होटल के मैनेजर हैं, असल में ये मेरे असिस्टेंट हैं। इन्होंने इस केस की गुत्थी सुलझाने में मेरी मदद की। अब आप सब लोग हमारे तरफ से आजाद हैं, और आपको जो तकलीफ पड़ी उसके लिए हमें खेद है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। प्यार करो तुम डरो नहीं, छुप छुप कर आए भरो नहीं, जान की बाजी लगा देंगे, चलो प्यार करें हम तुम तारा तुम तुम तारा तुम तुम तारा तुम तारा तुम 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 तारा तुम तुम तारा तुम तारा तुम। प्यार करो तुम डरो नहीं, छुप छुप कर आए भरो नहीं, जान की बाजी लगा देंगे, चलो प्यार करें हम तुम तारा तुम तारा तुम तारा तुम तुम तारा तुम तारा तुम तारा तुम।